तो भाई फाइनली हमने लगवा लिया अपनी गाड़ी के अंदर फ्लैग। कौन सी पार्टी का फ्लैग है ये आप लोग गेस करो, और वीडियो के अंदर लास्ट तक जुड़े रहना अगर आप लोगों को जानना है कि कौन सी पार्टी का मैंने गाड़ी के अंदर फ्लैग लगवाया है। ये लीगल है इनलीगल है वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, तो वीडियो के अंदर लास्ट तक जुड़े रहना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना। अपना फ्रेम लग चुका है आप देख सकते हो इस तरीके से, यहाँ से भी इसको जैसे आगे से मोड़ा हुआ है इसको सीधा करा के यहाँ से ऐसे बैंड करा देंगे, और ये देख रहे हो बिल्कुल इसकी सीध में यहाँ पर इतना इसको कटवा देंगे। और यहाँ हाँ जी कैसे हो सारे भाइयों, जय बोले कि सारे भाइयों को, मैं आपका भाई सचिन गौर और ये भाई अपना साहिल चौधरी, जय श्री राम भाई, जय श्री राम भाई। तो भाई आज हम जा रहे हैं अपनी ग्रैंड विटारा के अंदर लगवाने फ्लैग, किसी पार्टी का फ्लैग होने वाला है। काफी भाइयों को पता भी होगा मैं किस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ और क्यों करता हूँ, वो सारी चीजें भी आपको आज वीडियो के अंदर बताएंगे, थोड़ी बहुत मतलब उसके बारे में बात करेंगे। तो गाड़ी के अंदर लगवाना है आज फ्लैग, उससे पहले वो हम जा रहे हैं एक बार सिटी सेंटर, भाई को अपने फादर जी के लिए लेनी है एक बढ़िया सी वॉच, तो वो लेने के बाद अब हम आपको सीधा मिलते हैं जहां पर हम लगवाने वाले हैं गाड़ी के अंदर फ्लैग। क्योंकि देखो गाड़ी के अंदर ना काफी लोग हैं, फ्लैग लगवाते तो साइड में लगवा लेते, कोई इस तरफ लगवा लेगा राइट साइड कोई लेफ्ट साइड, लेकिन मेरा मन थोड़ा सा मतलब अलग है, थोड़ा सा यूनिक सा दिखना चाहिए गाड़ी के अंदर, तो उसके लिए हमारे को एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जिसके अंदर किस तरीके से इंस्टॉल करवाया जाता है फ्लैग गाड़ी के अंदर, क्या क्या प्रोसेस होता है वो सारी चीजें, और कहां से मैंने फ्लैग मंगवाया, कैसे क्या क्या चीजें हुई हैं, वो सब आपको वीडियो के अंदर पता लगने वाला है। तो चलो भाई पहले लेते हैं हम वॉच। ये भी 3D तो नहीं है लेकिन ऑटोमेटिक है 3D। इसका क्या प्राइस है? 30,000। गोल्डन वाली में ये है कि हल्की सी थोड़ा हैवी पन आ रहा है, और ये थोड़ी स्लीक सी है, पतली सी है ना, वो डिसेंट लुक है। हाँ वो इसमें डिसेंट लुक आ रही है। इनका दोनों का क्या प्राइस पड़ेगा? ये 17,500 की है, ये पड़ेगी आपको 16,000-75,000 की पड़ेगी भाई गोल्डन वाली, और ये दूसरी 27,300 में, ये 27,300 वो 30,000 रुपये की, वैसे 17,500 की है इसलिए। पैसा है तो बड़ी 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 दिखाना भी हमारी वॉच। तो भाई ये वाली फाइनल की हमने वॉच, कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ला भाई हो गया फाइनल। तो भाई आ चुके अपना गाड़ी का यहाँ पर लगवाने फ्लैग, तो फ्लैग भाई ऑलमोस्ट ना लोग देखो यहाँ लगवा लेंगे इस तरफ, या फिर लगवा लेते इस साइड लगवा लेते, मतलब फिर ना उसके अंदर वो वाली फील नहीं आती। तो मैं क्या सोच रहा हूँ इसके अंदर एक बनवाते हैं हम अपन फ्रेम, जिसके अंदर यहाँ पर आएगा बिल्कुल सेंटर के अंदर ऐसे उठ के, और उसके बाद लगेगा यहाँ पर फ्रंट में हमारा फ्लैग। तो भाई उसके बाद देखना तुम गाड़ी की लुक कितनी बढ़िया आने वाली है, तो आपको प्रॉपर डिटेल के अंदर पता लगने वाला है किस तरीके से फ्रेम बनता है। जो भी भाई चाहते हैं कि अपनी गाड़ी के अंदर फ्रेम वगैरह लगवाना है उनको, तो किस तरीके से क्या प्रोसेस होता है वो सारा आपको पता चलने वाला है। पूरा ग्राइंडिंग करके प्रॉपर एक तरीके से इसको फ्रेम बनाया जा रहा है। ये हमारे नट खुल चुके हैं यहाँ पर, यहाँ से ये ऐसे आएगा, फिर इधर जाके बिल्कुल ये सुजुकी का लोगो इसके बिल्कुल सेंटर में आएगा, और यहाँ से आके ऐसे टेपर हो जाएगा, और उसके बाद इसका फ्रेम लगेगा। तो भैया इसको कर रहे हैं यहाँ पर बैंड, आप ये देख सकते हो इस तरीके से बैंड हो रहा है, ताकि इसके ऊपर जब झंडा लगेगा तो थोड़ा सा उठ के रहे। और ये देख सकते हो ये हमारा इतना फ्रेम बन चुका है, अब यहाँ से वेल्ड करके इसको ऐसे सामने निकालेंगे, और उसके बाद हमारा फ्रेम तैयार। तो भाई अपना फ्रेम लग चुका है आप देख सकते हो इस तरीके से, यहाँ से भी इसको जैसे आगे से मोड़ा हुआ है इसको सीधा करा के यहाँ से ऐसे बैंड करा देंगे, और ये देख रहे हो बिल्कुल इसकी सीध में यहाँ पर इतना इसको कटवा देंगे, और यहाँ पर छेद करके उसके अंदर लग जाएगा हमारा फ्लैग। भाई बहुत सारे भाइयों का ना ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहती है कि देखो जैसे हम अपनी गाड़ी के ऊपर फ्लैग लगवा रहे हैं आज, तो बहुत सारे भाइयों का डाउट रहता है कि यार फ्लैग लगवा सकते हैं नहीं लगवा सकते, तो इस डाउट को मैं क्लियर कर दूं। जैसा कि देखो मैंने मंगवाया है अमेजोन से अपना फ्लैग इस टाइम पे, देखो अगर किसी पार्टी का आपको फ्लैग लगवाना है, किसी पार्टी को आप सपोर्ट करते हो, खुल के सपोर्ट करते हो, तो आप कोई भी पार्टी का फ्लैग लगवा सकते हो, लेकिन आप जो इंडियन फ्लैग है वो आप नहीं लगवा सकते, वो आपका इनलीगल माना जाता है, उसके लिए आपको मतलब कितनी भी आप अप्रोच लगा लो वो आपके लिए लीगली नहीं होता, क्योंकि उसके देखो रूल्स होते हैं काफी,
उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जो कि इम्पॉसिबल है आप अपनी गाड़ी के अंदर लगाते हो तो उन चीजों को फॉलो कर सको। तो इस वजह आप इंडियन फ्लैग को छोड़ के आप किसी भी पार्टी का फ्लैग लगवाओगे तो वो लीगल है, वो आप इजीली अपनी गाड़ी के अंदर लगवा सकते हो। जैसा कि अभी आप वीडियो के अंदर देखोगे किस तरीके से इंस्टॉल होती है, उसके बाद मैं तो खुद चाहता हूँ भाई जो फ्लैग हम लगवा रहे हैं वो वाला फ्लैग आप भी अपनी गाड़ी में खूब लगवाओ और खुल के समर्थन करो कि हाँ भाई देखो जो पार्टी देखो अच्छा काम कर रही है ना उसका खुल के समर्थन करना भी चाहिए। दोनों तरफ के लोग मिलते हैं भाई, देखो उस पार्टी को फॉलो करने वाले भी मिलेंगे और उस पार्टी को बदनाम करने वाले भी मिलेंगे, लेकिन हमारे को बुरी चीजों को साइड में करके ना अच्छी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। खूब तगड़े वाला विकास कर रही है भाई जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और भाई हम प्राउडली देखो हमारा मेरा भी और भाई का भी नाम देखोगे ना आप इंस्टाग्राम के ऊपर तो मेरा नाम है हिंदू सचिन गौर और भाई का नाम है हिंदू साहिल चौधरी। तो भाई देखो हम खुल के समर्थन करते हैं कि हाँ भाई देखो हम प्राउडली फील करते हैं कि हाँ भाई हम हिंदू हैं, हम किसी भी दूसरे समुदाय को किसी को भी कोई हेट नहीं दे रहे हैं, कोई हेट नहीं दे रहे, लेकिन हम प्राउड फील करते हैं कि हाँ भाई हम है हिंदू। तो अगर हम है हिंदू तो हमारे को लिखने में क्या बुराई है, मैं अपनी गाड़ी के पीछे भी लिखता हूँ, अपने नाम के आगे भी हमेशा हिंदू लगाता हूँ। और ये आज से नहीं, जब ये भाई हिंदू का कोई भी चैप्टर सोशल मीडिया पे था ही नहीं, हम उस टाइम से लिख रहे हैं अपनी आईडी के पीछे मेंशन, फेसबुक पे भी इंस्टाग्राम के ऊपर भी, उस टाइम से हम इस चीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। और सिर्फ लिख ही नहीं रहे हैं, जो हिंदू हमने जब नाम के आगे लगाया था तो बहुत चीजें सोच के थी, जो चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए हम वो फॉलो भी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं भाई बिल्कुल। और मैं तो देखो यही चाहूंगा कि भाई जितने भी अपने हिंदू भाई है ना, मतलब देखो कहना थोड़ा बुरा लगेगा, काफी लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है, हमें अपनी बिरादरियों से ऊपर उठ के ना, ये देखो जब तक हम बिरादरी में है ना तो हम ऐसे चलेंगे सब अब अलग अलग राह पर, जब ये चीज बन जाती है ना तब बन जाता है ये हिंदू। तो जब तक हम ये नहीं बनेंगे ना, जब तक हम भाई एकजुट होके किसी भी चीज को ढंग से कर नहीं पाएंगे, तो सबसे पहले जात पात को छोड़ के ना हमें प्राउडली हिंदू फील होना चाहिए कि हाँ भाई हम हिंदू हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, सनातन हमारा धर्म है तो सबसे पुराना धर्म हमारा ही है और हमारे धर्म से ही चीजें चल रही है, और जो दूसरे धर्म है भाई उनकी भी इज्जत करते हैं हम, किसी को भी किसी के प्रति कोई हेट नहीं है, चाहे कोई दूसरा धर्म है समुदाय है, सबके प्रति उतना ही सम्मान है जितना हम अपने धर्म का करते हैं। लेकिन अपने धर्म को भाई हम खुल के सपोर्ट करते हैं, हम ये नहीं है कि भाई देखो दो गला पंती वाली बात नहीं है भाई, आगे किसी के कुछ बोल दिया पीछे कुछ बोल दिया वो चीज नहीं, छाती ठोक के भाई जो चीज है वो है। तो ये सारी चीजें भाई हिंदू का भी हमने बता दिया, हम प्राउडली फील करते हैं, हमने अपनी जितनी भी गाड़ियां हर एक के पीछे हिंदू लिखवा रखा है। और इसकी एक और चीज बताऊं मैं आप लोगों को, अब ये देखो भाई काफी लोग ना मतलब देखो हिंदू लिखवा तो लेते हैं, यहाँ साइड में लिखवा लिया कहीं पे भी लिखवा लिया, लेकिन गाड़ी को रखते हैं गंदा, जिस वजह से जैसे इसके ऊपर भी धूल मिट्टी आ जाती है, सारी चीज आ जाती है, इसकी कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट होती है। वहीं पर जैसे देखो जिस भी गाड़ी के पीछे यहाँ पर वाइपर है ना, उस भाई से तो मतलब मेरी दिल से यही गुजारिश है कि भाई वो अपना हिंदू वाला स्टिकर ना सेंटर में लिखवाए, ताकि देखो आपकी गाड़ी गंदी भी हो ना वाइपर, और ये देखो आपका हिंदू का स्टिकर हो गया बिल्कुल क्लियर। तो जिस भाई को मतलब गाड़ी साफ करने में कपड़ा मारने में दिक्कत होती है ना, वो अपना वाइपर के यहाँ पर लगाओ और इस चीज़ की रिस्पेक्ट करो भाई, जो तुम हो उसको गर्व से कहो और उसकी रिस्पेक्ट भी करो। अच्छा और भाई देखो कुछ भाई है ना मतलब कमेंट वगैरह करते हैं, मैंने पहले भी अपनी ये हिंदू वगैरह की वीडियो डाली थी तो उस पर ना कमेंट आते हैं भाई तुम हिंदू लिखने से ही हिंदू हो जाओगे क्या, ऐसे हिंदू नहीं हो। तो भाई देखो मेरे को पर्सनली ना ऐसा लगता है कि हिंदू सिर्फ बोलने से हिंदू नहीं होता, बिल्कुल ठीक बात है, उसके लिए बहुत चीज़ें फॉलो भी करनी पड़ती हैं, थोड़ा ज्ञान भी चाहिए। जैसे कि भाई काफ़ी मेरे ग्रुप में काफ़ी भाई नॉन वेज वगैरह खाते थे, मैंने भी किसी टाइम पे जब मैं मतलब 11th 12th क्लास में था उस टाइम मेरे को जिम वाले ने बोला था भाई अंडे वगैरह खाया करो तो उससे थोड़ी बॉडी अच्छी बनती है, ये होता है वो होता है। तो भाई मेरे को मतलब आज की डेट में हिंदू धर्म के लिए थोड़ा बहुत जाना जिस तरीके से, तो उससे समझ आता है कि देखो ये फालतू की चीज़ें हैं, प्योर वेजिटेरियन होना चाहिए पहली बात तो बंदा। दूसरी भाई देखो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा जात पात से ऊपर उठ के अगर हम हिंदू लिखते हैं तो इसमें बुराई क्या है, इसमें कुछ गलत थोड़ी है, जब हम हैं प्राउडली हम कहते हैं भाई हम हिंदू हैं तो है भाई, छाती ठोक के हम हिंदू, इसमें गलत क्या है। और जिन भाइयों को अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई नहीं लिखना चाहिए तो भाई तुम मत लिखो, तुम अपने घर में राजी, हम अपने घर में राजी, हमें अच्छा फील होता है लिख के, आज से नहीं हम
कई साल पहले से लिखते हुए आ रहे हैं अपने टाइम से, स्कूल टाइम से लिखते हुए आ रहे हैं अपने नाम के पीछे हिंदू। तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब हम अभी अभी उठ के आए हैं और हमने हिंदू लिखना शुरू कर दिया, और हमारे को प्राउड फील होता है बहुत अच्छा। और भाई लिखने से पहले ना ऐसा नहीं है कि ऐसे नाम के आगे लगा दिया, लिखने से पहले भाई ने भी मैंने भी, जैसे भाई ने बताया कि जिम गए या किसी और कारण से कभी अंडे खाए या कुछ ऐसी चीजों का सेवन करा, तो भाई वो सब चीजें छोड़ के ठीक है उसके बाद ही हमने लिखा। बहुत सी चीजों का पालन करा, उसमें हम ब्रह्मचर्य जैसी चीज का भी पालन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नाम के आगे लगा दिया या सिर्फ व्यूज के लिए या ऐसा कुछ, व्यूज हमारे लिए बहुत छोटी चीज है, हमारे लिए हमारे जो धर्म है सबसे पहले है। जब हम फॉलो भी कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि नाम के आगे लिख दिया, भाई भी फॉलो कर रहा बहुत लंबे समय से, और हमारा भाई काफी बड़ा ग्रुप है जो इस चीज के अंदर बहुत पहले से एक्टिव है, बहुत पहले से ठीक है। ये सोशल मीडिया हो सकता, देखो हमने अभी कुछ टाइम पहले ही इन चीजों पे हमने ज्वाइन किए सारी चीजें, तो इन चीजों में मतलब हम किसी थर्ड पर्सन, मतलब जैसे अब आप लोग देख रहे हो तो आप लोगों तक शायद इस वीडियो के थ्रू ये जा रही है बात, जा रही होंगी, लेकिन हम भाई इस चीज को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं। जो पुराने भाई है वो शायद हमारे जानते भी, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और भाई देखो सच्चाई तो यही है, दोनों भाई खुल के कहते हैं, प्राउडली फील करते हैं भाई हम हिंदू हैं और हमें लिखवाने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए लिख रहे ठीक है, तो इसलिए हमने लिख रखा है, इसमें कोई गलत चीज है नहीं। तो भाई फाइनली हमने लगवा लिया अपनी गाड़ी के अंदर फ्लैग, जो कि आप लोग काफी देर से वेट कर रहे थे इस वीडियो के अंदर। तो भाई वो अपना फ्लैग ये बीजेपी का, भाई इस पार्टी का हमने फ्लैग लगवाया। देखो भाई जो पार्टी अच्छा काम करेगी देश के हित में, हम तो भाई देखो उसको ही समर्थन देंगे। तो आज की डेट में हमारे को लगता है कहीं ना कहीं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई बीजेपी इस देश का हित कर रही है इस टाइम पे, यहाँ से यहाँ लेगी। तो देखो ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने आपको बता दिया। दूसरा भाई मेरी टाटा हैरियर है, मैंने टाटा हैरियर के अंदर भी यही सेम फ्लैग लगवा रखा था, उस गाड़ी के अंदर नहीं लगा हुआ था, थोड़ा सा मतलब सूखा सूखा मिसिंग सी लग रही थी गाड़ी के अंदर, मतलब एक ना अच्छी सी फील नहीं आ रही थी, तो ये मैंने लगवा दिया इसके अंदर फ्लैग। और आप लोगों को जैसा कि मैंने बताई दिया पूरा प्रोसेस जो इसके अंदर कैसे फ्रेम बना था, उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर छेद करके ये पूरी इसकी ये फ्लैग जो स्टिक होती है ये पूरी लगा के इस तरीके से कर दिया है इसको इंस्टॉल। तो भाई ज़रूर कमेंट करके बताना किस तरीके का लग रहा है, देखोगे आप तो किस तरीके की दोनों गाड़ियों की लुक आ रही है, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को ज़रूर बताएं। तो ये है भाई अपनी दोनों फ्लैग पीस जो मेरे को बहुत बढ़िया लगती है, और दोनों के अंदर कुछ इस तरीके का काम करा के मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय भोलेनाथ।